हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी टी यू पी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही थी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे एक क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्त आपका सेकेंड क्लास है। इस लेसन दोस्त आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ओनली फॉर ओनली आपको एक फार्मूला मिलेंगे, और वो भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्त आपका, क्या है, जो आंकड़ों की संख्या दी हुई होती है एन की वैल्यू, अगर वो आपका सम है या विषम है। सम के लिए दोस्त अलग फार्मूला है, विषम के लिए अलग फार्मूला है। बस ओनली 2 फार्मूले हैं, और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त, जिसे आप क्लियर करते ही क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लासेस को 5 टॉप 5 क्वेश्चन लाए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उपयोगी है एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्त आप लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ दोस्त आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 5, 3, 0.5, 4.5, B, 8.5, 9.5 की माध्यिका 7 है तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। माध्यिका करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, माध्यिका के लिए आपका जो फार्मूला होता है, कैसे ज्ञात करते थे दोस्त माध्यिका, टोटल आपका नंबर, जितने आपके टोटल हैं उसको आप ऐड करके बटे आपका जो आंकड़ों की पूरी टोटल संख्या दी हुई है, अर्थात दोस्त जो आपकी एन की वैल्यू दी हुई है टोटल संख्या, उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। अतः दोस्त यहाँ पे माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर, माध्य यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है, 7 तो आपने ऐसा ही लिख दिया। माध्य बराबर क्या होता है, सबको ऐड कर देंगे दोस्त यहाँ पर, 5 + 0.5 + 4.5 + B + 8.5 + 9.5, ये दोस्त इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टोटल नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नंबर कितना है दोस्त, 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे और यही दोस्त आपका माध्यिका आ जाएगा। यहाँ पे दोस्त आपकी B की वैल्यू पूछ रहा है, इस B की वैल्यू पूछ रहा है, इस 7 का मल्टीप्लाई आप इधर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 49, और इन सभी को आप ऐड करेंगे, इन सभी को आप ऐड करेंगे, 5, 3, 0.5, 4.5, 8.5 और 9.5, इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 49 आ जाएगा, और इसको ऐड करने पे 31 प्लस कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। अब B के वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोस्त ये आपका 31 को इधर भेजेंगे, तो ये आपका B इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, B इक्वल टू हो गया दोस्त 49 - 31, कितना हो गया दोस्त, 49 - 31, इसको डिवाइड किया दोस्त तो 9 में से 1 गया, तो ये आपका 8 हो गया और ये 1 हो गया, कितना B की वैल्यू दोस्त आ गया यहाँ पे, B इक्वल टू 18। B की जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारी 18 आ गई। दोस्त आपको इसी टाइप से हर क्वेश्चन को करना है, और कम समय में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जैसे ही आप पढ़ेंगे दोस्त आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है। इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर जो हो जाएगा वो आपका D हो जाएगा, और 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्लासेस अच्छे लगे दोस्त तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को दोस्त पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे समझ में भी आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कराते हुए चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4, 7, x और 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन 6 नंबर है, कुछ नहीं करना है दोस्त, सभी को ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। देखते हैं कैसे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, 4 + 7 + x + 9, ये आपका
टोटल कितना अंक है दोस्त, टोटल आपका जो आंकड़ों की संख्या है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो कितनी है, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और टोटल माध्य इसका कितना है, 7 है। माध्य कितना है, 7 है। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये इसको ऐड करेंगे, 7 4 11 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 7 चौक कितना हो गया, ये आपका 28 हो गया, इक्वल टू एक्स प्लस 20 हो गया। कितना दोस्त, x प्लस 20 हो गया। अब दोस्त इस x को आप इधर ले जाइए यहाँ पे माइनस में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू 28 माइनस 20, क्या हो जाएगा दोस्त, x इक्वल टू 28 माइनस 20, इसको डिवाइड किए दोस्त, माइनस किए यहाँ पे, तो ये आपका 8 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू 8, x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आपकी 8 हो गई। ऑप्शन में देखते हैं दोस्त, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है और 8 इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैंने बहुत ढेर सारे करा दिए हैं, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से कर जाएंगे। और दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावनाएँ रहती हैं। तो जिस टाइप जितने टाइप से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक भी टाइप आपका एंट्रेंस एग्जाम में छूटने नहीं पाएगा। हर टाइप के दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से पूरे क्वेश्चन आपको क्लासेस में कंप्लीट करा लिया जाएगा। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन है, 60 लड़कों का भार निम्न चार के अनुसार है, जिसमें आपको भार दिया हुआ है, लड़कों की संख्या दी हुई है, तो इनकी माध्यिका बताना है। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दोस्त इस टाइप से भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैं दोस्तों आंसर भी लेकर आया हूँ इसी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर्स इसमें चार्ट से बताता हूँ। पहले क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे। एक्स क्या है दोस्त, यहाँ पे मैंने बताया था आपको एक्स क्या है, जो आपका भार है, भार केजी में यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइन से, 37 38 39 40 41। अब यफ क्या है दोस्त, ये आपकी लड़कों की संख्या है, 10 14 18 12 6, ये टोटल नंबर, नंबर क्या है दोस्त, लड़कों की संख्या है, टोटल कितनी है, 60 है। अब दोस्त हमें निकालना है सी एफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी एफ, सी एफ है क्या दोस्त, पहले ध्यान से सुनिएगा। सी एफ के लिए आप ये 10 देख रहे हैं, ये 10 आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ये 10 हो गया, ठीक है, नीचे वाला कितना अंक है दोस्त, 14 है, 14 10 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 को लिख दिया, 24 और 18 कितना हो गया, 18 ऐड कर देंगे दोस्त, 18 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 में 12 को ऐड किया। ये ऐसे चलता है दोस्त, ऐसे ध्यान रखिएगा, जितने पॉइंट आपको बता रहे हैं वो सभी ऐड करके आप यहाँ पे करते जाइएगा, देखिएगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। 42 को 12 में ऐड किया दोस्तों, ये आपका 54 आ गया, 54 को 6 में ऐड किया तो ये आपका 60 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सी एफ यहाँ पे निकालना है। अब दोस्त यहाँ पे देखेंगे जो आपकी एन की वैल्यू आ गई 60, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो आपका माध्यिका का फार्मूला होता है। अब दोस्त माध्यिका का फार्मूला भी देख लीजिए, माध्यिका का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एन अपान टूवा पद प्लस एन अपान टू प्लस वनवा पद अपान में 2, ये आपका क्या होता है, माध्यिका निकालने का फार्मूला। जब क्या हो, जब आपका नंबर हो, जो आपका नंबर है वो आपका सम संख्या हो, नंबर क्या हो दोस्त, सम संख्या हो, तब आपका फार्मूला निकालना ये है। और यहाँ पे नंबर आपका क्या है, 60 है, टोटल लड़कों की जो आपकी संख्या है वो आपकी 60 है, अर्थात क्या है दोस्त, सम है, सम है। तो दोस्त इसके लिए फार्मूला आपका क्या है, एन अपान टूवा पद प्लस एन प्लस वन अपान टूवा पद अपान में 2 कर देंगे, तो वहाँ पे आपका माध्यिका निकल कर आ जाएगा। तो इसमें भी आपको माध्यिका निकालना है और सेम प्रोसेस फार्मूले में लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए देखिए दोस्त, यहाँ पे 60 अपान में टूवा पद प्लस 60 अपान में 2 प्लस वनवा पद अपान में 2 कर दिए, ये आपका 30वां पद आ गया और 31वां पद। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 30वां पद और 31वां पद। अब आपको चार्ट में जाना है और 30वां पद के आगे का क्या नंबर है उसको देखना है और 31वां पद का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका 30वां पद है, 30वां पद के सामने का नंबर, ये आप ध्यान रखिएगा, 30वां पद के सामने का नंबर ये आपका क्या है, 39,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 39 और 31वां पद अर्थात ये क्या है 39, ठीक है। तो दोनों दोस्त आपका 39 है, तो यहाँ पे आपका 39 और 39 ऐड कर देंगे और अपान में 2 कर देंगे तो 39 इसका आंसर आ जाएगा, जो आपकी माध्यिका होगी। आशा करते हैं दोस्त जब भी आपको चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरह CF निकालना है और डायरेक्ट माध्यिका का फार्मूला लगा देना है। एक एक कॉन्सेप्ट दोस्त आपका क्लियर कराते जाएंगे, कहीं से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 39 दोस्त इसका आंसर आ जाएगा, जो आपकी माध्यिका होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्त इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिससे दोस्त आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 17 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 17 प्रेक्षणों का माध्य 30 है, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 35 है तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है, तो 9वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 17 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पे आपको दे रखा है, 17 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे रहा है 30, कितना दिया हुआ 30। अब 17 प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो 17 प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 30 में आप 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 * 3 = 21 हो जाएगा, 210 कितना हो जाएगा दोस्त, 17 * 51। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 30 में 17 से मल्टीप्लाई किए, 17 * 3 = 51 510 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त, 510 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे, 9 प्रेक्षणों का माध्य, यहाँ पे 9 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 35, 9 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 35। अब 9 प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्त, तो 35 * 9 कर देंगे, 35 में 9 का मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 315। ये क्या आ गया दोस्त, 9 प्रेक्षणों का योगफल। अब आगे क्या बोल रहा है, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान, तो यहाँ पे देखिएगा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्यमान 23 है, तो 9 अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल के लिए 9 * 23 कितना दोस्त, 9 * 23 कर देंगे, ये आपका 207 आ गया। ये क्या आ गया, अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल। अब दोस्त इसमें बोल रहा है कि 9वां प्रेक्षण का मान क्या होगा, तो 9 प्रेक्षण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9 प्रेक्षण का मान ज्ञात करने के प्रथम 9वें प्रेक्षण का योगफल जो आपका निकाला था यहाँ पे, प्रथम 9 प्रेक्षण का योगफल, अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल, अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल माइनस जो आपका 17 प्रेक्षणों का योगफल है उसको आप माइनस कर देंगे यहाँ पे और इसका योग करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो प्रथम का कितना आया था दोस्त, ये आपका आया था 315 और अंतिम 9 प्रेक्षणों का योगफल कितना आया था, ये आपका 207 आया था, ठीक है। और 17 जो आपका 17 प्रथम जो आपका 17 प्रेक्षणों का जो आपका माध्यमान मान आया था वो कितना आया था दोस्त, वो आपका 510 आया था, कितना आया था 510 आया था। इसको दोस्त हल किए यहाँ पे, इसको हल किए तो ये आपका टोटल कितना आ गया, ये आपका 12 आ गया घटाने के बाद, कितना आ गया दोस्त 12 आ गया घटाने के बाद। और जो 9वें प्रेक्षण का मान होगा, 9वें प्रेक्षण का जो भी मान होगा दोस्त वो आपका 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, ऑप्शन में दोस्त बी इसका राइट आंसर हो जाता है और 12 इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं दोस्त जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं, और जैसे जैसे दोस्त पॉइंट वाइज बताया मैंने वैसे ही आप क्वेश्चन को वहाँ पे पॉइंट वाइज करने की कोशिश करिएगा, जिससे दोस्त आपका क्वेश्चन कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा और आपका आंसर दोस्त आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर ही केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी मापें ज्ञात की जाती हैं। तो दोस्त जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे टिक लगाना है। ऑप्शन एक है दोस्त समांतर माध्य, तो दोस्त समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको आंकड़ों की कोई भी आरोही या अवरोही क्रम में रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए दोस्त अब दोस्त यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करते हैं माध्यिका, ऑप्शन बी की यहाँ बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका दोस्त माध्यिका ज्ञात करने के क्या करता है, आप अवरोही अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं, इसलिए दोस्त इसका राइट आंसर बी है माध्यिका। अब बहुलक में दोस्त मैंने आपको बताया है जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक हो जाता है,
इसमें दोस्त आपको आरोही या अवरोही क्रम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा और माध्यिका दोस्त इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्त जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी डेली टू डेली अब चलने वाली है, जैसे ही आपको शेड्यूल मैंने बताया है उसी शेड्यूल के नियमानुसार ही क्लासेस को दोस्त चलाया जाएगा। तो जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँच सके और वे भी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और दोस्त अभी तक आपने हमारे सेकेंड चैनल डियर अंश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे सेकेंड चैनल डियर अंश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे दोस्त मैंने आपको बताया है बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, जो आपका 50 क्वेश्चनों का पूरे सेट आने वाला है वो बहुत ही जल्द वहाँ पर देखने को मिल जाएगा।